खुश आमदीद स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। सेकंड है व्हाई डिफरेंट आइडियल गैस एट एसटीपी हैविंग डिफरेंट मासेस हैव सेम वॉल्यूम, यानी कि मुख्तलिफ गैसेस जिनके आइडियल गैसेस जिनके मास डिफरेंट हैं बट उनके वॉल्यूम सेम है, ऐसा क्यों है ये हम देखेंगे। और जो हमारा थर्ड टॉपिक होगा वो होगी एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन है वन मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज ए वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब, दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड इट इज ट्रू फॉर ओनली आइडियल गैस। यानी कि कोई भी गैस का एक मोल ले लें तो उसके अंदर 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा और ये सिर्फ आइडियल गैस का होगा। यानी कि किसी भी आइडियल गैस का एक मोल लेंगे तो उसके अंदर जो वॉल्यूम होगा वो 22.414 डेसीमीटर क्यूब होगा। इन दिस वे वी कैन कन्वर्ट मास ऑफ अ गैस एट एसटीपी इनटू इट्स वॉल्यूम एंड वाइस वर्सा। यानी कि हम मास और वॉल्यूम के दरमियान हमारे पास एक रिलेशन आ गया इस मोलर वॉल्यूम की वजह से। यानी कि वी कैन कन्वर्ट, हम मास को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर एग्जाम्पल देखें तो 2.01 ऑफ S2 जो कि हाइड्रोजन गैस है उसका वन मोल होगा वो होगा 2.016 ग्राम और वो किसके बराबर होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के एट एसटीपी। और 16 ग्राम ऑफ CH4 यानी कि मीथेन गैस के 16 ग्राम जो कि वन मोल के बराबर है उसके, वो भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम रखेगी। नेक्स्ट है व्हाई डिफरेंट आइडियल गैसेस एट एसटीपी हैव डिफरेंट मासेस बट हैव सेम वॉल्यूम। यानी कि उनके जो मासेस डिफरेंट होंगे बट वॉल्यूम उनका सेम होगा, इसकी रीजन क्या है व्हाई? सो इसका आंसर, द रीजन इज दैट मासेस एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स डोंट इफेक्ट द वॉल्यूम। यानी कि जो मास है और उसका जो साइज है वॉल्यूम का, सॉरी मॉलिक्यूल का, तो वो इफेक्ट नहीं करते किसको, वॉल्यूम को। और हमें पता है कि जो चले पढ़ लेते हैं, नॉर्मली इट इज नोन दैट इन गैशियस स्टेट द डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज 300 टाइम्स ग्रेटर देन देयर वॉल्यूम। यानी कि जो गैस का जो वॉल्यूम है, गैस के मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है उसको अगर देखें तो उससे 300 गुना दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो फासला है वो है। यानी कि जो मॉलिक्यूल का डायमीटर होगा उससे 300 गुना ज्यादा दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान का फासला है, तो ये जो साइज है और इसको जो मास है वो इफेक्ट ही नहीं करता वॉल्यूम को। एंड आल्सो ग्रेटर देन आल्सो वन मोल ऑफ एनी गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ऑक्यूपाइज वॉल्यूम 22.414। इस वजह से जो कोई भी गैस है उसके दो गैसेस का अगर कंपैरिजन भी कर लें तो डिफरेंट गैसेस होंगी, उनके मासे डिफरेंट होंगे, बट वो जब उनका एक मोल लेंगे हम तो हमने डेफिनेशन भी यही पढ़ी है, तो वो कितने के बराबर हो जाएगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब के, चाहे वो मीथेन गैस है चाहे वो हाइड्रोजन गैस है। सो दैट इज वाई एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर हैविंग डिफरेंट मासेस बट हैव सेम वॉल्यूम, दैट इज 22.414 डेसीमीटर क्यूब। लेकिन ये सब कब होगा, जब आइडियल गैस की बात कर रहे होंगे। यही एग्जांपल भी दी हुई है, बोथ बिलो गैस हैव सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट मासेस, जैसे 2.01 ग्राम ऑफ H2 है वन मोल के बराबर है और इस तरीके से 16 ग्राम ऑफ CH4 है वो भी वन मोल है और दोनों का वॉल्यूम देखें तो वो सेम है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल मोलर वॉल्यूम से रिलेटेड, वो है उसके एग्जाम्पल नंबर 10 है। ए वेल नोन आइडियल गैस इज इनक्लोज इन ए कंटेनर हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब एट एसटीपी, इट्स मास कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम, व्हाट इज द मोलर मास। हमारे पास वॉल्यूम है और मास है और हमें मोलर मास निकालना है, तो अगर डाटा देखें
तो डाटा में हमारे पास आइडियल गैस वॉल्यूम कितना है 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्योंकि हमारे पास जो मोलर वॉल्यूम है वो है 22.414 डेसीमीटर क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, ये आइडियल गैस वॉल्यूम जो कि हमें सेंटीमीटर क्यूब में दिया गया है इसको हम डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देंगे। वो कन्वर्ट कैसे करेंगे, 500/1000 डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसके जब करेंगे तो 0.5 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस क्या किया हमने, हमने 500 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू आई 0.5 डेसीमीटर क्यूब। ये हुआ कैसे है, तो अगर राइट हैंड साइड पे वीडियो को पॉज करके आप देख भी सकते हैं, मैंने सारी कैलकुलेशन की हुई है। मास ऑफ अ गैस है 0.72 ग्राम और जो मोलर मास ऑफ द गैस हमने फाइंड करना है, तो हमें पता है मोल किसके बराबर होता है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, सो वी कैन फाइंड मोलर मास बिकॉज we have mass already given in the question but we don't have mole, so mole को हम find कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें हमारे पास volume दिया गया है, तो हम volume मदद से mole find out कर सकते हैं। कैसे, we know that 22.414 decimeter cube volume occupied by gas is equal to 1 mole and 1 mole, अगर हम ये 1 mole ये definition है उसको हमने rearrange कर लिया molar volume की, कि 22.414 decimeter cube volume कौन रखती है, 1 mole gas, so अगर हम 1 decimeter cube रखें तो वो 22.414 equation दूसरी side पे divide हो जाएगा, और अब 0.5 decimeter cube जब हो गई तो हम उसको जब लेके आएंगे, यानी कि 0.5 decimeter cube volume occupied by gas will be equal to 1/22.414 multiplied by 0.5 decimeter cube, तो जब हम इसकी multiplication करेंगे तो हमारे पास जो answer रहेगा वो होगा 0.0223 moles. In this way we find mole and we have molar mass formula. Molar mass is equal to mass over mole. So molar mass में हम mass की जो value है वो है 0.72, वो put करेंगे और हम define किया है mole वो पुट कर देंगे, डिवीजन में नीचे हो जाएगा तो 0.0223 मोल होगा। जब हम उनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 32 ग्राम पर मोल मोलर वॉल्यूम मोलर मास आ जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर एंड आई होप कि आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया होगा। इसमें बच्चे मिस्टेक भी करते हैं कि वो वॉल्यूम को कन्वर्ट नहीं करते।